हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ SBI फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप SBI में FD करवाते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितने दिन में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, चलिए इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए SBI फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। SBI फिक्स डिपॉजिट आप लोग देख पढ़ भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। सीधा सीधा मैं चले आता हूँ इंटरेस्ट रेट पे कि कितना आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ 7 डे टू 45 डेज, मतलब 7 दिन से 45 दिन तक अगर आप FD करवाते हो तो आपको यहाँ पर 3% से 3.5% तक यहाँ पर ब्याज ने वाला है, जो कि जनरल पब्लिक देख सकते हो एंड सीनियर सिटीजन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर 46 दिन से ज़्यादा रख सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो 4.5% से लेकर 5.5% तक आपको ब्याज मिलने वाला है। वहीं पर आपको देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा गया है कि 180 दिन से अगर 210 डे अगर आप रखते हो FD में, SBI FD में पैसा रखते हो तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो होगा 5.25% से लेकर 5.75% तक का प्रॉफिट आप लोग के लिए होने वाला है। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5 साल से 10 साल तक दिया गया हुआ, यहाँ पर 5 साल से लेकर 10 साल तक भी दिया हुआ, मतलब कि लॉन्ग टर्म में भी इसमें आप FD करा सकते हो, बहुत ज़्यादा सेफ है, जिसमें आपको यहाँ पर 7% से लेकर 7.5% तक का प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर आप अगर ज़्यादा नहीं 6 महीने के लिए 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए भी FD करा दो तो कुछ ना कुछ आपको उसमें भी प्रॉफिट होगा, जैसे कि 3.5% का प्रॉफिट आप लोग अगर FD करा दो, समझ लीजिए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, अगर आप FD में रखोगे तो FD में काफ़ी तेज़ी से पैसा बढ़ता है, मतलब कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से भी थोड़ा तेज़ बढ़ता है, ठीक है, FD में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें समझा भी दिया हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और मैं एक से एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ FD से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के सबसे रिलेटेड वीडियो आने वाली हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।